comes in, she is stripped naked in front of everyone else. दोस्तों आज की स्टोरी एक ऐसी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस की है जो इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में शहीद अदाकारा के नाम से जानी जाती है। वैसे तो यह अदाकारा अब हमारे बीच नहीं है, पर जिंदा रहते हुए फिल्मों में इन्होंने जो एक्टिंग की थी उसे आज भी इनके चाहने वाले याद करते हैं। पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस अदाकारा को इनकी ही देश की सरकार ने दिल दहला देने वाली सजा दे डाली और इन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। हम इस बात को यकीन के साथ कह रहे हैं कि अगर आप इस एक्ट्रेस की पूरी लाइफ स्टोरी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे जरूर ही खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। तो चलिए इस एक्ट्रेस की पूरी लाइफ स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है। आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करने वाले, इनका नाम स्नेहलता रेड्डी था। इनका जन्म 1932 में आंध्र प्रदेश के एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। पीढ़ियों से इनकी फैमिली हिंदू धर्म को ही फॉलो किया करती थी, पर जब स्नेहलता का जन्म हुआ तो इनके परिवार ने हिंदू धर्म से क्रिश्चियन मजहब में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। बात करें अगर इनकी फैमिली की, तो इनकी फैमिली काफी तंगहाली में अपना जीवन बिता रही थी, पर इस तंगहाली के बीच स्नेहलता के परिवार में इन्हें एजुकेशन दिलवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। स्नेहलता ने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था, पर इनके मन में कहीं ना कहीं यह बात जरूर रहती थी कि कम से कम मैं पढ़ लिख कर इतना तो काबिल हो जाऊंगी कि मैं अपनी फैमिली को इन परेशानियों से बाहर निकाल सकूंगी। बचपन भले ही स्नेहलता का गरीबी में बिता, पर स्नेहलता के मन में बड़ा होकर कुछ बड़ा करने की तमन्ना जरूर थी। और जब स्नेहलता थोड़ी समझदार हुई तो इन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों के अत्याचार को देखा और शायद यही वजह थी कि स्नेहलता अर्थात स्नेहा काफी ज्यादा क्रांतिकारी विचारों वाली हो गई। इनके मन में हमेशा सिर्फ यही बात चलती थी कि किसी भी तरह मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। स्नेहा को लगता था कि ब्रिटिश सरकार के सभी ऑफिसर क्रिश्चियन मजहब को ही फॉलो करते हैं और यही लोग हमारे देश के लोगों पर अत्याचार भी करते हैं। इसलिए स्नेहलता ने अपना नाम क्रिश्चियन से बदलकर हिंदू नाम से मिलता जुलता हुआ रख लिया और भारतीय वेशभूषा भी पहनने लगी। अंग्रेजों के अत्याचार को देखकर स्नेहलता काफी ज्यादा गुस्सा होती थी, पर कभी भी उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुना। अपने एजुकेशन के दौरान अधिकतर वह आजादी पर आधारित नाटकों में पार्टिसिपेट किया करती थी ताकि भारत के लोगों को आजादी को लेकर जागरूक किया जा सके। इसी बीच स्नेहा की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और इन्होंने तुरंत बाद में ही थिएटर ग्रुप मद्रास प्लेयर को ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप था जिसमें अक्सर बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आते रहते थे और अपनी फिल्म के लिए लोगों को कास्ट किया करते थे। एक दिन इस थिएटर में कन्नड़ तेलुगु फिल्म डायरेक्टर रामा रेड्डी आए और वहीं पर इनकी मुलाकात स्नेहा से हुई और दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई, क्योंकि स्नेहा एक अच्छी एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी थी और दोनों के विचार भी काफी ज्यादा मिलते थे। आगे चलकर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, पर दोनों की फैमिली को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसके बाद स्नेहा ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर रामा रेड्डी से शादी कर ली। इसके बाद फिल्मों में काम करने लगी। स्नेहा अधिकतर ऐसी फिल्मों में ही काम किया करती थी जो किसी न किसी सामाजिक कुप्रथा पर आधारित होती थी। यही कारण था कि उनकी फिल्मों का हमेशा से ही विरोध होता था। पर वहीं दूसरी तरफ स्नेहा ने भी यह फैसला कर लिया था कि वह समाज को अपनी फिल्मों के माध्यम से जागरूक करके ही रहेंगी, भले उनकी फिल्म का कितना भी विरोध क्यों ना हो। इसलिए कभी भी स्नेहा ने फिल्में बनाना बंद नहीं की। तभी इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसे आज तक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेमस फिल्म माना गया। यह फिल्म संस्कार थी जो कि 1971 में रिलीज हुई थी और इसे लेकर काफी तगड़ा बवाल भी हुआ था। यहां तक कि मद्रास सेंसर बोर्ड ने तकरीबन 4 साल तक इस फिल्म के रिलीजिंग पर रोक लगा दी थी, पर स्नेहा ने फिर भी हार नहीं मानी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार कोर्ट का फैसला स्नेहा के पक्ष में आया और यह फिल्म फाइनली रिलीज हो गई। फिल्म को देखने के लिए बड़े पैमाने पर ऑडियंस सिनेमा हॉल में गई और साथ ही फिल्म को आगे चलकर बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जो कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड भी थे। इस फिल्म के बाद स्नेहा को एक नेशनल अदाकारा के तौर पर जाना जाने लगा। फिल्म की सक्सेस के बाद स्नेहा ने मद्रास और बेंगलुरु में थिएटर की स्थापना की और इसके माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर करने लगी। इस तरह धीरे धीरे स्नेहा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन गई। इसी बीच स्नेहा और उनके हस्बैंड की मुलाकात पॉलिटिक्स के जाने माने चेहरे जॉर्ज फर्नांडिस से हुई, जो कि उन दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता और अच्छे पॉलिटिशियन थे। कुछ ही दिनों के बाद दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई, पर किसे पता था कि आखिर यह दोस्ती स्नेहा के लिए घातक साबित होगी।
यह बात है 1975 की 25 जून की, जो कि स्नेहा के लिए काली रात मानी गई। इसी दिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल मतलब कि इमरजेंसी लगाने की अनाउंसमेंट कर दी गई, जिसका मतलब था कि देश के खिलाफ कुछ भी यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। इमरजेंसी के अनाउंसमेंट होने के बाद पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सभी छोटे बड़े नेता और अभिनेताओं को जबरदस्ती पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाने लगा, और उन्हीं में से एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस का। इंदिरा गांधी ने यह आदेश दिया कि किसी भी हाल में जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़कर लाना ही है। दरअसल ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि इमरजेंसी से पहले रेलवे कर्मी की बेहतरीन सुविधाओं के लिए जॉर्ज फर्नांडिस हड़ताल कर चुके थे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल उस समय की मानी गई थी। इसी बीच इमरजेंसी के दौरान स्नेहा की मुलाकात एक बार फिर अपने पॉलिटिकल फ्रेंड जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरी रूपरेखा बताई कि किस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ हमें एक आंदोलन चलाना है और इंदिरा गांधी के राज को खत्म करना है। पर स्नेहा को जॉर्ज फर्नांडिस का यह प्लान जरा भी अच्छा नहीं लगा, जिसका कारण ये था कि स्नेहा हिंसा में विश्वास नहीं रखती थी और दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडिस देश में हिंसा की बात कर रहे थे। शायद इसलिए स्नेहा ने अपने आप को जॉर्ज फर्नांडिस से बिल्कुल ही अलग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ना चाह रही थी, वो भी किसी भी हालत में। और स्नेहा और जॉर्ज फर्नांडिस की दोस्ती की खबर सरकार तक पहुंच गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए शिकंजा कसा और आखिरकार उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की फ्रेंड स्नेहलता को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। स्नेहा को पुलिस ने अपने साथ इंक्वायरी के नाम पर कार्ल्टन हाउस ले गई, पर अगले 2 से 3 दिनों तक भी स्नेहा के बारे में उनके परिवार के लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर स्नेहा कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। 3 दिन के बाद स्नेहा के पति को यह जानकारी मिली कि उनकी वाइफ को बड़ौदा डायनामाइट केस में मुख्य अपराधी बना दिया गया है। ऐसा केस था जिसमें यह आरोप था कि स्नेहा संसद भवन और कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को बम से उड़ाने की योजना बना रही है। इसी के साथ ही स्नेहा पर मिशा एक्ट भी लगा दिया गया, जिसमें इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले को जेल में अरेस्ट करके डाल दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प बात यह थी कि अभी तक स्नेहा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि असल बात यह थी कि इंदिरा गांधी किसी भी तरह से स्नेहा को डरा धमका कर उनसे जॉर्ज फर्नांडिस का पता निकलवाना चाहती थी। पर आखिर स्नेहा कुछ जानती तो बताती ना। जब स्नेहा को पता ही नहीं है कि आखिर जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ है, तो भला वह कैसे बता दे कि फर्नांडिस किस जगह पर है। जेल में स्नेहा को दूसरे कैदियों से अलग रखा गया था। स्नेहा एक काल कोठरी में कैद थी, जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। काल कोठरी में एक से बढ़कर एक भयंकर मच्छर और काफी ज्यादा गंदगी थी। यहाँ पर हम बता दें कि स्नेहा को बचपन से ही सांस की बीमारी थी, जिसे कि अस्थमा के नाम से जाना जाता है। स्नेहा जिस काल कोठरी में कैद थी, वैसी काल कोठरी में मलमूत्र भी करती थी। बेगुनाह होने के बावजूद भी स्नेहा को एक अपराधी का जीवन जीना पड़ रहा था। इसी जेल में एक टॉर्चर रूम था, जहां पर स्नेहा को ले जाकर उनके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते थे। अगर वह मना करती तो उन्हें जमकर पीटा भी जाता था और जबरदस्ती उन्हें सबके सामने नंगा खड़ा करके रखा जाता था। खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी ही उन्हें दी जाती थी, जो बिल्कुल ही बेस्वाद होती थी, और सिर्फ दिन रात यही पूछा जाता था कि जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ है। और रोती बिलखती स्नेहलता रेड्डी सिर्फ यही कहती कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर शायद यह सजा उनकी दोस्ती का मुआवजा थी। दोस्तों बता दें, किसी जेल में इंदिरा गांधी के आदेश पर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अरेस्ट करके रखा गया था। स्नेहा ने अपने कैद के दौरान अपने एक्सपीरियंस को कागज के पन्ने पर बयां किया था, जिसके बाद में कर्नाटक मानव अधिकार आयोग के प्रिजन डायरी के नाम से पब्लिश किया गया, जिसमें यह लिखा गया था कि यह ऐसी जगह थी जहां इंसान सही प्रकार से रह नहीं सकता। सरकारी जुल्म और यातना सहकर स्नेहलता काफी ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी, और ऊपर से इन्हें पहले से ही अस्थमा की बीमारी भी थी, जिससे इनका कष्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था। इधर स्नेहा की पूरी फैमिली इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर कब तक स्नेहा को जेल में रखा जाएगा, वह कौन सा दिन होगा जब स्नेहा वापस घर आएंगी। परिवार के लोग सिर्फ एक दूसरे को तसल्ली देकर दिन गुजार रहे थे। इस तरह तकरीबन 8 महीने बीत गए। तभी एक दिन अनजान नंबर से फोन आता है। यह फोन स्नेहा का ही होता है। फोन स्नेहा की बेटी नंदा रेड्डी ने उठाया होता है। फोन में स्नेहा कहती है कि बेटी, आज मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, तुम मिलने आओगी क्या। इस पर नंदा रेड्डी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फोन कट होने के बाद नंदा इतनी ज्यादा रोई कि शायद ही वह कभी इतना रोई होंगी।
अपनी माँ को देखने के लिए वह फटाफट विक्टोरिया अस्पताल पहुंची और तुरंत ही अपनी माँ के गले लग गई। इधर स्नेहा भी अपनी बेटी को गले लगाकर जी भर कर उसे प्यार करने लगे। तभी एक हवलदार आता है और कहता है कि अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। अस्पताल से टेम्पररी मेडिसिन करवाने के बाद दोबारा से स्नेहा को पुलिस वैन में खींचकर बैठा दिया जाता है और फिर वैन वापस जेल चली जाती है। स्नेहा कमजोरी की वजह से काफी ज्यादा दुबली पतली हो गई थी, वहीं कमजोरी की वजह से उनका अस्थमा भी काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से मजबूरी में जेल प्रशासन को कुछ दिनों के लिए स्नेहा को पैरोल पर छोड़ना पड़ता है। स्नेहा 1977 में 15 जनवरी को वापस अपने घर आती हैं। घर आने के बावजूद स्नेहा जेल की यातना को भूल नहीं पा रही थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि कुछ दिन के बाद उन्हें फिर से जेल में जाना है और जेल की यात्रा के बारे में सोच सोच कर आखिरकार जेल से छूटने के 5 दिन के बाद 20 फरवरी 1977 को स्नेहा का देहांत हो जाता है और इस तरह उन्हें जेल की यातना और इस दुनिया से छुट्टी मिल जाती है। स्नेहा की मौत के बावजूद भी पुलिस की जांच चलती रहती है और आखिरकार पुलिस को स्नेहा लता के खिलाफ सभी मामले को बंद करना पड़ा। पर देखा आपने कि किस तरह देश में सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को तानाशाही के दम पर जेल में बंद करवा सकती है और उसे इतनी पीड़ा दे सकती है कि आखिरकार व्यक्ति इस दुनिया को ही छोड़ दे। स्नेहलता की बेटी नंदा रेड्डी आज भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वह इस बात को खुलकर कहती हैं कि उनकी माँ की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उनकी माँ को इंदिरा गांधी ने मारा है। इंदिरा गांधी उनकी माँ की कातिल हैं। जब कभी नंदा रेड्डी अपनी माँ स्नेहलता के बारे में सोचती हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, आप में से शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि दक्षिण इलाके में स्नेहलता रेड्डी को लोग शहीद के तौर पर पूजते हैं। आखिरकार आप इस एक्ट्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।